लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इनमें 4 उम्मीदवार दिल्ली के हैं, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वहीं भाजपा की नई सूची में यूपी की घोसी सीट से हरिनारायण राजभर, मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी और पंजाब की अमृतसर सीट पर हरदीप पुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। भाजपा की ताजा सूची के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा और चांदनी चौक सीट पर हर्षवर्धन को उम्मीदवार बनाया गया है। इन 4 सीटों पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया है और उधर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित अभी तक नहीं किए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इन 3 सीटों पर मौजूदा सांसदों का ही टिकट कट सकता है।